जी गुरु जी को अलग आदेश माँ भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश दो बातें जो मैं आप लोगों को हमेशा बताता रहा हूँ धर्म में कभी भी बंधन नहीं था कि आप ये करो ये वो करो इसको नहीं करना है ये नहीं खाना है ये नहीं पीना है उसके पीछे कारण ये था कि जो पौराणिक तांत्रिक थे वो एक विषय जानते थे कि रोकने से कोई चीज़ रुकती नहीं है मतलब जो मॉरल वैल्यूज़ है लोगों का ठीक है वो मॉरल साइंस की क्लास में नहीं पढ़ाया जा सकता जब एक व्यक्ति पैदा लेता है जब एक इंसान यहाँ आता है तो वो अपने ज़रूरतों के साथ आता है और उसको वो किसी भी तरीके से अपने स्तर पर पूरा करने की कोशिश करता है वो स्तर जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक इंसान का मोराल नहीं बढ़ेगा और ये चीज हमारे पुराने संत समझते थे इसीलिए उन्होंने कोई रूल नहीं बनाया कि आप ये करो वो करो बल्कि उन लोगों ने उपाय बताया कि आप ऐसा करोगे तो खुद ही आप हायर कॉन्शियसनेस में चले जाओगे और ये छोटी चीज़ें नहीं करोगे मतलब उपाय बताया बंधन नहीं तो ये कैसे होता है ये तब होता है जब आपके चक्र उठते हैं आज के दिन में जो जनमानस को परेशानियां होती हैं उसके लिए वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं तांत्रिकों के पास जाते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उनका शरीर खुद इतना बड़ा तंत्र है कि इसमें हर चीज़ का एक उपाय छुपा हुआ है और बड़े बड़े बातों में ना फंसते हुए मैं आपको बताऊंगा कि आप सिर्फ अपने श्वास को अगर कंट्रोल करना सीख लें तो आपका आधा जीवन सुधर जाएगा और अब जो भी कार्य करने के लिए निकलोगे उसके लिए आपको कोई तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं होगी जो सांस का एक विज्ञान है उसको स्वर योग बोलते हैं ठीक है, है? स्वर योग का कहना है कि आप अपने मूलाधार चक्र को सही तरीके से सांस को कंट्रोल करके ही ऊपर उठा सकते हो और जब ये शक्ति उठती है तो जो छह चक्र उसके ऊपर आते हैं सबको छेदते हुए ऊपर सबसे ऊपर सहस्त्र में पहुंचती है और एक बार जब इस स्तर पर पहुंचती है तो उसके बाद किसी व्यक्ति को किसी भी बंधन के जुरत, की जरूरत नहीं होती है। क्या बोलता है सरयोग बोलता है कि अगर आप सांस लेते हैं जब आप लेफ्ट से सांस लेते हैं तो राइट ब्रेन आपका एक्टिवेट हो जाता है और जब आप राइट से सांस लेते हैं तो लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है तो किसी भी इंसान को दोनों ब्रेन के पार्ट्स को एक्टिवेट करना चाहिए जो लेफ्ट और जो राइट नोज नॉस्ट्रिल होता है आपका जो नाक है उसमें एक तरफ सूर्य नाड़ी एक तरफ चंद्र होता है एक तरफ पुरुष एक तरफ महिला होती है ठीक है नारी तो जिस नॉस्ट्रिल से आप ब्रीथ कर रहे हैं वो ये बताता है कि आप जिस काम को करने जा रहे हैं उसमें आप सफल होंगे कि नहीं जब आप सांस लेते हैं ना तो वो सांस हर घंटे बदलनी चाहिए मतलब अभी लेफ़्ट से आप अगर सांस ले रहे हो तो अगले घंटे आपको राइट से लेना चाहिए जब भी एक तरफ से अगर आप सांस ले रहे हैं मतलब वो उसका डोमिनेंस हो रहा है तो जब आपका किसी भी नॉस्ट्रिल का डोमिनेंस होगा तो जो प्लानट्री कंडीशंस है जो ग्रहों की दशा है वो आपको अफेक्ट करती है देखो आप सो के कितने भी बजे उठो लेकिन जो जो श्वास का चाल है वो सूर्योदय से आपको पता है या ना है वो सूर्योदय से आधे घंटे पहले बदल जाता है ठीक है और जब स, दिन ढलेगा तब भी वही न, नाक चल रहा होगा जिससे सूर्योदय से आधे घंटे पहले आप सांस ले रहे थे ठीक है और ये जो नाक है ना ये अलग अलग ग्रहों को दर्शाता है ठीक है तो जो राइट right नॉस्ट्रिल है आपका वो मैस्कुलिन है वो सूर्य को दर्शाता है ठीक है और जब वो चालू रहेगा तो आपके दिमाग का लेफ्ट हेमोस्फियर जो है वो एक्टिवेटेड रहता है ठीक है और जब आप राइट right से सांस लेंगे तो कौन कौन से ग्रह पे इफेक्ट पड़ता है सूर्य पे सन मार्स और सैटन पे आप देखोगे कि रविवार को मंगलवार को और शनिवार को ये जो नाक है राइट ये सूर्योदय के आधा घंटा पहले चालू हो जाता है और जो लेफ्ट है वो चंद्र है वो नारी है ठीक है वो राइट हेमोस्फियर को रूल करती है और कौन कौन से उससे जो जुड़े प्लानट है वो कौन है तो चंद्र खुद है मरकरी है जुपिटर है वीनस है हर सोमवार बुधवार बृहस्पतिवार और फ्राइडे ठीक है शुक्रवार को ये आपका जो ब्रीदिंग साइकिल है उसमें ये ज्यादा चलेगा ठीक है तो बहुत मज़ेदार है पूरा खेल जो कि सूर्य चंद्र ग्रह को लेकर के है और कहते हैं कि दोनों को बराबर में चलना चाहिए ठीक है लेकिन इसमें समझने की बात यह है कि जो चंद्र है उसके लिए एक महीना 28 साढ़े अट्ठाईस दिन का होता है और जो सूर्य है उसके लिए एक महीना जो है वो तीस दिन का होता है तो चंद्र का साढ़े अठाइस दिन का चक्र और सूर्य का तीस दिन का चक्र बराबर माना जाता है ठीक है तो अब मान के चलो कि आपको किसी काम पे जाना है ठीक है और अभी जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस काम के लिए कौन सा नाक से आपको हवा लेना किस तरफ से लेफ्ट या राइट तो अगर आपका उसका अपोजिट चल रहा है आपको किसी काम में जाना है तो आप क्या करोगे तो सबसे आसान तरीका है कि मुझे अगर सूर्य नाड़ी की जरूरत है जो सू, सूर्य की तरफ से सांस लेनी है, और मेरे चल रहा है लेफ्ट ठीक है तो लेफ्ट की तरफ मैं करवट लेके सो जाऊंगा और अपने का नीचे एक छोटा तकिया दबा लूंगा ठीक है एस, और उस उस कांख पे मैं अपने शरीर का पूरा वजन डालूंगा जैसे आप इसको थोड़ा देर करेंगे आपके नाक का जो है वो लेफ्ट से जो ब्रीदिंग हो रही है वो राइट से हो जाएगी ठीक है कब आप लोगों को ये बदलाव करना चाहिए एक तो कोई बहुत स्पेसिफिक कार्य करने आप जा रहे हैं तो ठीक है अगर आप देखिए कि आपका एक ही नाक चल रहा है दूसरा चल नहीं रहा है तब आपको ये करना चाहिए अगर आपको लगे कि आप में डिप्रेशन आ रहा है आप में एग्रेशन आ रहा है तो आपको जो है श्वास जो है बदल बदल के लेनी चाहिए और अगर एक ही नाक से दो घंटे से ज्यादा आप सांस ले रहे हैं तो भी इसको आपको जो है चेंज कर देना चाहिए देखो शरीर जो है ना वो दो भाग में बटा हुआ है आधा मेल आधा फीमेल जिसको हम जैसे कि अर्धनारेश्वर बोलते हैं तो आप किसी भी रूप में जन्मे हों आपके शरीर को अगर हम आध्यात्मिक रूप से देखें तो वो आधा मेल होता है आधा फीमेल होता है तो जब राइट से आप ले रहे हैं सांस तो राइट साइड में जब आप सांस ले रहे हैं तो वो राइट साइड की बॉडी से कनेक्ट होता है और जब आप लेफ़्ट से सांस लेते हैं जो लेफ़्ट हैंड के फंक्शन है वो आपके बॉडी के बढ़ जाते हैं तो राइट right साइड का बॉडी का जो फंक्शन होता है वो होता है जो फिज़िकल एक्सरसाइज है जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो करना और जो लेफ़्ट साइड का है वो है जो जिसमें आपको इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए मतलब दिमागी कसरत आपको करना है ठीक है तो ऐसे में आपको लेफ़्ट नॉस्ट्रिल चालू रखना चाहिए और अगर आपको बहुत फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है तो राइट right नॉस्ट्रिल चालू रखना चाहिए ठीक है अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो राइट नॉस्ट्रिल चालू रहे और दिन में अगर सुफूर्ति चाहिए काम का रिजल्ट चाहिए धन दौलत चाहिए तो लेफ्ट नाक को आपको चालू रखना है है ना किसी भी नाक को हमेशा ये ध्यान रखना है कि कभी भी जो आप सांस ले रहे हैं वो दो घंटे से ज्यादा एक तरफ से ना ले और दूसरा जो सांस हम लेते हैं ना बहुत जल्दी जल्दी नहीं लेना चाहिए अगर जीवन आपको लंबा करना है तो एक मिनट में पंद्रह बार से ज्यादा सांस नहीं लेना चाहिए ये आपको प्रैक्टिस करना चाहिए मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपको बताया है तो एक मई मिनट में पंद्रह आपको सांस लेना चाहिए मतलब चौबीस घंटे में करीब बाईस हजार बार सांस लेना चाहिए ऐसा आप करोगे तो आपका जीवन सौ साल से ज्यादा होगा ठीक है अब समझो अगर आप लेफ्ट नाक से सांस ले रहे हो तो आप क्या क्या कर सकते हो आप ध्यान कर सकते हो आप आध्यात्म कर सकते हो ठीक है आप ऐसा कोई काम कर सकते हो जिसमें शरीर की थोड़ी शक्ति की जरूरत हो आप मित्रवत कार्य कर सकते हो किसी से मित्रता करनी है किसी से अच्छी बातें करनी है तो आप लेफ्ट नॉस्टल से सांस लोगे योगा करना है ध्यान करना है तो आप लेफ्ट से आप आ, सांस लोगे आयुर्वेदिक मेडिसिन खाना है या फिर रसायन विज्ञान के बारे में जानकारी करना है रिसर्च करना है नए कपड़े पहनना है नए ज्वेलरी पहनना है ठीक है किसी को दान दक्षिणा करना है कहीं मंदिर जा रहे हैं किसी आश्रम में जा रहे हैं ठीक है किसी नए घर में आ रहे हैं किसी नए तालाब में जा रहे हैं या तालाब बनाने वाले हैं ठीक है पेड़ पौधे जब आप लगाते हैं उस समय लेफ्ट नॉस्ट्रिल से नाक जाना चाहिए कहीं आप कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं ठीक है जहां पे शांति से आपको एक क्राउड को कुछ बताना है तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल ठीक है लंबे अगर आप लंबे जर्नी पे जा रहे हैं दक्षिण दिशा की ओर या पश्चिम दिशा की ओर तो लेफ्ट से आपको सांस लेना चाहिए अगर पानी पीना है मलमूत्र त्याग करना है मूत्र त्याग करना है और घर वापस जब आप लौट रहे हैं तो लेफ्ट नाक से आपको सांस लेना चाहिए अब राइट नॉस्ट्रिल पे आते हैं राइट नॉस्ट्रिल से आप कब सांस लीजिएगा जब कोई बहुत ही कठोर कार्य करना है अगर आपको अस्त्र चलाना है किसी को युद्ध कौशल सिखाना है आपको म्यूजिक बजाना है ठीक है गाड़ी चलाना है वेट उठाना है एक्सरसाइज करना है है ना आपको नाव चलाना है अब देखो बाकी ध्यान पूजा मंत्र जाप करते वक्त लेफ्ट नॉस्ट्रिल लेकिन अगर आपको यंत्र बनाना है या फिर तंत्र का प्रयोग करना है तो फिर राइट नॉस्ट्रिल का आपको प्रयोग करना चाहिए कहीं ऊंचान पर ऊंचाई पर चढ़ना है ठीक है कुछ खरीद रहे हैं कुछ बेच रहे हैं किसी जानवर के अगर आप संपर्क में आ जाते हैं अगर आप हथौड़ी से कोई काम कर रहे हो भले फर्नीचर बना रहे हो या कोई मूर्ति कला कर रहे हो योगिक प्रैक्टिस में जो नॉर्मल प्रैक्टिस है उसके अलावा अगर हट योग कर रहे हैं तो आ, कहीं सरकारी कार्य के लिए जा रहे हैं सरकारी मीटिंग के लिए कोई ऐसा जगह जा रहे हैं जहाँ पे बहुत हॉट टॉक्स हो सकता है डिस्कशन हो सकता है डिबेट हो सकता है या वकील हैं आपको आ, प्लीट करना है तो राइट नॉस्टल का प्रयोग करेंगे किसी को किसी काम के लिए अप्रोच कर रहे हैं तो राइट नॉस्ट्रिल ठीक है और कोई ऐसी नौकरी के लिए जा रहे हैं जो पार्ट टाइम हो या बहुत टेम्पररी तो हो तो वहाँ एग्रेसिव रहना होगा तो वहाँ आपको राइट नॉस्ट्रिल का यूज़ होना चाहिए अच्छा इसके अलावा जीवन में कुछ ऐसे बहुत ज़रूरी काम हैं जिसमें राइट नॉस्ट्रिल से आपको सांस लेना चाहिए जैसे स्नान करते समय खाते समय मल त्याग करते समय और घर से बाहर निकलते समय और एक बहुत अद्भुत है ऐसे ध्यान और सब कुछ करते हुए आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल का यूज करना चाहिए लेकिन अगर आप अपने विचारों को कहीं लिखना चाहते हैं अगर आप किताब लिखना चाहते हैं ठीक है आप कुछ अच्छा लेख लिखना चाहते हैं आप कविता लिखना चाहते हैं तो उसमें भी माइंड को एग्रेसिव रहना पड़ता है इसीलिए राइट नॉस्ट्रिल का प्रयोग करते हैं लगभग मैंने ऐसे सारे विषय बता दिए जिसमें कि आप कैसे कैसे सांस लेते हैं और उससे आपका जो कार्य है वो सिद्ध हो जाएगा कोई तंत्र मंत्र नहीं कोई आ, कोई योगिक विद्या नहीं बस एक क्रिया जिसको आपको समझना है और लाइफ में इसको पालन कर लेना है एक छोटा सा टिप दे देता हूं अगर ये नहीं समझ में कि किस आप नाक से सा, सांस ले रहे हैं तो एक मिरर रखिए अपने साथ छोटा सा और उस मिरर पर सांस लीजिएगा उस मिरर पर जैसे ही आप सांस लीजिएगा जिस तरफ वेपर जम गया उसी तरफ आपका सांस चल रहा है इसी का फिर दूसरा भाग है इंगला पिंगला और सुषमना नाड़ी उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे आज के वीडियो के लिए इतना ही आप लोगों को सफलता दिलाने के लिए सब पर्याप्त है जिनको साधना का शुरुआती सीखना है जिनको आसन बंधन मंत्र सीखना है वो आप मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव डायरेक्ट कॉल करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप है उसमें रुद्रनाथ एक्ट सी एम फोर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा उसमें आप कॉल करके मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं मेरे जैसे साधक और मेरे द्वारा लिखित जो किताबें हैं और जो आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ने के लिए डब्लू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट तंत्र डॉट कॉम पर माँ भगवती आप सभी को सदगुद ऐसी मैंने कामना और प्रार्थना है आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश